मुंबई पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में टीम ने भोजपुरी एक्ट्रेस सुमन कुमारी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उनकी सोशल सर्विस ब्रांच ने इस ऑपरेशन को चलाया था और छापेमारी करने के बाद इस रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। इसमें उन्होंने 24 साल की एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया, जिन पर लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने का आरोप लगा है। वह इस रैकेट में दलाल का काम कर रही थी। दरअसल पुलिस को मुंबई के गोरेगांव स्थित रॉयल पाम होटल में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने अपना दिमाग लगाते हुए अपराधियों को फंसाने के लिए सुमन कुमारी नाम के एक फर्जी ग्राहक को होटल भेजा। अब एक्ट्रेस सुमन कुमारी का भी यही नाम था। इस हिसाब से वो इस जाल में फंस गई। उसने उस फेक कस्टमर के साथ डील की, जिसमें वह हर मॉडल के लिए 50 से 80 हजार रुपए की डिमांड करने लगी। पुलिस ने बताया है कि 24 वर्ष की सुमन कुमारी भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, जो कस्टमर्स को मॉडल सप्लाई करती हैं। ये मॉडल वो होती हैं जो कि फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई आई और स्ट्रगल कर रही थी। उनको पैसों की जरूरत थी। ऐसे में सुमन कुमारी ने उनसे कॉन्टेक्ट किया और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में दलाल की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस सुमन कुमारी कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस बूम ओटीटी चैनल पर भी काम कर चुकी हैं। फिलहाल एक्ट्रेस सुमन कुमारी पुलिस हिरासत में है। सेक्स रैकेट में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने इस तरह के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के तेजी से बढ़ने पर चिंता जाहिर की और जनता से भी ऐसे किसी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी देने की अपील की है।